नमस्कार दोस्तों, आज है 8 सितंबर और आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, या कहूं मैं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते क्यों हैं? इसके जवाब है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का अहमियत यह है कि हम ये बता सके कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में साक्षरता या कहूं लिटरेसी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। अब बात आती है कि आखिर साक्षरता होती क्या है। साक्षरता या मैं कहूँ लिटरेसी, ये पर्सन की एक एबिलिटी होती है या कहूँ एक वो खूबी जिसे पर्सन को कितना पढ़ना आता है, कितना लिखना आता है, ये चीज़ें बताता है। एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया कि तकरीबन पूरे दुनिया भर में 16% जो आबादी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, या मैं कहूँ उनको पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता। अब बात यह आती है कि इनके प्रमुख कारण क्या है, तो उनका रीज़न ये है कि हो सकता है उनके गरीबी के कारण, हो सकता है वहाँ का डेमोग्राफिक फैक्टर के कारण। जैसे कि आप जानते हैं कि तालिबान, फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, वहाँ पर हाल ही में शरिया कानून लागू हो चुका है और वहाँ पर लड़कियों को ना तो पढ़ने की लिखने की इजाज़त नहीं है, और यही एक रीज़न है कि जो साक्षरता है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसी को उद्देश्य को इसको ने ये कहा है कि साक्षरता जो है, लिटरेसी है, वो मानव अधिकार है, वुमन राइट है। तो इसे सबको पहुंचाने के लिए उन्होंने, यूनेस्को ने 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे की घोषणा की थी सन 2000 में, और इसी के उपलक्ष्य में हम 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को का मानना है कि अगर हम लिटरेसी को बढ़ावा देंगे, साक्षरता को बढ़ावा देंगे, तो हमारे देश में, दुनिया में जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें हम पढ़ा सकें, लिखा सकें, ताकि वो देश दुनिया से कनेक्ट हो सकें, बढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति शिक्षित होगा, समाज में पढ़ा लिखा होगा, वो कहीं ना कहीं देश को बढ़ावा देगा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा। इसके लिए आज आप सभी को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, या कहूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।